Dear Assalamu Alaikum, dear students, today is our lecture 8 and I gave you some homework. कुछ रिवाइज करने के लिए मैंने आपको दिया था और रिवाइज एवरी लेक्चर जो मेरा स्टार्ट होता है शुरू में मैं प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में कुछ चीज़ें आपसे पूछता हूँ, कुछ डिस्कस करता हूँ. ये आपके बेनिफिट के लिए है. आपको अगर आप पढ़ के आए हैं प्रीवियस लेक्चर्स, आप रिवाइज आपका हो जाता है, आप रिफ्रेश होते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है. तो आज मुझे थोड़ा बताएं क्या था लेक्चर 7. लेक्चर 7 वाज टोटली अबाउट IS 8, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 8 के बारे में था. और 4 थिंग्स हैं उसमें. हमने लास्ट 2 डिस्कस की थी और लास्ट फर्स्ट 2 जो है वो हमारे लेक्चर 6 में होगी थी. तो वैसे ओवरऑल आप सब ने IS 8 को देखा है, पढ़ा है, कुछ सेल्फ स्टडी भी की आपने. सेल्फ स्टडी मीन्स किसी बुक से कंसल्ट किया IS 8 को. आप कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस की बुक ले लें, उसमें ये चीज़ें दी होंगी. और आप अगर वेबसाइट पे जाएं, IS 8 बहुत डिटेल में दिया हुआ है. ठीक है, आपको आपके लेवल का बीइंग एन MBA स्टूडेंट जितना नॉलेज मैंने दिया है, जो आपको थियोरटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने के लिए किया, क्योंकि अकाउंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वेरी अहम रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. रिपोर्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग लॉज. और विच स्टैंडर्ड्स मोस्ट कॉमनली नाउडेज अकॉर्डिंग टू गुड FIRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस जो है वो अकॉर्डिंग टू IFRS होती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, हमारा लेवल है नेशनल लेवल, मल्टी नेशनल लेवल्स कंपनी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं. ठीक है, उस पर जो चीज़ें अप्लाई होती हैं हम उसको डिस्कस करते हैं. तो मुझे फिर द मेन इश्यूज कवर्ड बाई IS 8 और क्या, ये मेन स्लाइड आप पहले भी देख चुके हैं. सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, changes in accounting policies, change in accounting estimates and correction of prior periods period errors. देखें ये 4 के 4 जो आपको एरिया बताए गए हैं अकाउंटिंग का, ये इंपॉर्टेंट है. कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे सिलेक्ट करती हैं, IS 8 इसको गाइडलाइंस देता है. जब भी अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात होगी, जब भी, तो कौन सा स्टैंडर्ड जहन में आएगा, IS 8. जो भी प्रोफेशनल लोग हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, IS 8 को कंसीडर करेंगे कि यार सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी कैसे होती है, IS 8 क्या गाइडलाइन दे रहा है. जब उन पॉलिसीज में कोई चेंजेस आती हैं या चेंजेस कंपनी करना चाहती है, उस चेंजेस को कौन एड्रेस करता है, IS 8 करता है. इसी तरह अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, जो हमने यस्टरडे बड़े डिटेल में डिस्कस किए. उन एस्टिमेट्स में कोई चेंजेस आ जाए, कौन सा स्टैंडर्ड गाइडलाइन करता है, IS 8. एंड सिमिलरली कोई करेक्शन हो प्रायर पीरियड, पिछले पीरियड्स में कुछ करेक्शन एरर्स हो, उनको आपने करेक्ट करना है, उसकी क्या प्रोसीजर है, IS 8 आपको गाइडलाइंस देता है. तो ये 4 थिंग्स, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस एंड सिलेक्शन, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड प्रायर पीरियड एरर्स, ऑल इंपॉर्टेंट है. आप देखें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ें डेली बेसिस पर डील की जा रही हैं. और इसको कौन एड्रेस करता है, IS 8. और IS 8 का मैंने आपको जो, वैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखें, ये हम लोगों ने जो चार्टर अकाउंटेंसी में पढ़ा है, आप अगर कोई देखें चार्टर अकाउंटेंट्स की जो बुक्स हैं, उसमें IS 8 मोस्ट प्रॉब्ली लाइक दिस थिक, बड़े पेजेस हैं, 100 एंड 100. लेकिन मैंने आपको उसकी जो मेन एरियाज थे, ठीक है, आपके जो MBA लेवल पे आपको आपको चीज़ आनी चाहिए, वो चीज़ मैंने आपको पॉइंट्स में बताई है. अगर आप उन्हीं पॉइंट्स को आपस में डिस्कस करें, आपस में जितने भी आपके जो मैं आपको बार बार मैसेज पे फोकस करता हूँ, इसको मैं
बहुत ज़्यादा उस पर एडवाइस करता हूँ वो है डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, पोटेंशियल ग्रुप डिस्कशंस। आपको बिलीव करें ग्रुप डिस्कशन से बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है। आई थिंक सो फार आपने स्टार्ट कर ली होंगी और आप खुद भी फील करते होंगे इस चीज़ को कि अगर आप पढ़ लें, सेल्फ स्टडी कर लें और कुछ दोस्त बैठ जाएं और वैसे ही बैठे आप इनफॉर्मल वैसे भी आप डिस्कस करें, हाँ भाई ये चीज़ कैसी है, हमने ये टॉपिक पढ़ा, इसमें ये चीज़ ऐसी थी और मुझे जितना आता है उससे ज़्यादा शेयर करें उससे नॉलेज, तो आप देखें डिस्कशन से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो ये मास्टर लेवल है, एमबीए लेवल, एमएस लेवल और बीबीए फाइनल लेवल, ये सब डिस्कशंस हैं, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्कशंस। ये स्किल्स जब आपके अंदर होंगी, कौन सी स्किल्स? प्रेजेंटेशंस एंड डिस्कशंस, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सक्सेसफुली आगे जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जस्ट गेट अ डिग्री विद सीजीपी 3.5, 3.8, 3.4 इज नॉट इनफ। वो भी ज़रूरी है कि हाँ जी आप किसी के पास जाते हैं सीजीपी दिखाते हैं, सीजीपी है, लेकिन साथ ये चीज़ होनी चाहिए। क्या चीज़? कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी प्रेजेंटेशन कैसे आप किसी को दे रहे हैं, आपकी आप डिस्कशन करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन और इम्प्रूव होंगी, राइट। इसीलिए मैं अपने सब लेक्चर्स के एंड में और शुरू में आपको बताता हूँ कि ये ग्रुप डिस्कशंस आप वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको कंबाइन करना, प्रेजेंट करना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, सो अब मुझे बताएं कि अकाउंटिंग एस्टीमेट्स और करेक्शन ऑफ प्राइवेट पीरियड हमने ये लेक्चर 6 में डिस्कस किया था ना, लेक्चर 7 में, सॉरी। तो मुझे अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की एग्जाम्पल कौन बताएगा? अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की जी, वैसे अगर जिसको आता है वो जरा सब हाथ हाथ खड़ा करें, रेज हैंड प्लीज। कौन किसको आता है? कुछ लोग होते हैं ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। अच्छा चलें, आप हाथ ना खड़े करें, मैं खुद आज पूछता हूँ। ये तो है भी इजी और इंटरेस्टिंग भी है जी। हाँ, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स आप बताएं प्लीज, जो आज जी ये आप जो मेरी तरफ देख रहे हैं राइट नाउ, यू, यस, सेकंड इन द रो। पहले ये बताएं कि आई एस एट पढ़ा था? मेरे नोट्स के अलावा भी पढ़ा था कहीं से? अच्छा, आप सच बोलते हैं, कहते हैं नहीं। अच्छा चले, मेरे नोट्स को पढ़ा था सही तरह, जो मैंने आपको लेक्चर दिया उसको सही तरह सुना था? ओके गुड, मोर देन वन टाइम? ओके गुड, एंड समझ में आया था आपको? ओके, फिर बताएं अकाउंटिंग एस्टीमेट्स क्या हैं। ओके, थ्री, गुड। अब आपने ऑलमोस्ट वही चीज बताई है और अच्छी तरह बता दी है जो मैंने आपको लेक्चर में बताई थी, राइट। आपका लेवल ये है कि आपको चीज समझ आ रही है। आप जरूर प्लीज गो फॉर मोर नॉलेज, मोर इंफॉर्मेशन। आप बुक्स कंसल्ट करें या फिर वेबसाइट पे जाके इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन लें, तो आप देखें आपका लेवल थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो बाय द वे डिस्कशंस की हैं? अच्छा, हंस रहे हैं। डिस्कशन का मतलब टाइम नहीं है, 5-5 पीरियड्स आप ले रहे हैं। चलें, डिस्कशन के लिए मैं नहीं कहता कि आप ये, हमने लास्ट लेक्चर यस्टरडे था, लेकिन आप टाइम सेट करें स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, किसी टाइम पर कर लें, लेकिन प्लीज डू गो फॉर डिस्कशंस। ओके, आपने गुड, अच्छा बताया। ये एग्जाम्पल आपने दी जो मैंने दी थी, एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर चेंजेस इन द यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट्स। एस्टिमेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन्स, व्हीकल्स। अब इनकी यूजफुल लाइफ के ऊपर एस्टिमेट्स है। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें फिक्स आपको गाइडलाइन नहीं देता कि बिल्डिंग को आपने 50 ईयर्स करना है, या बिल्डिंग को आपने 20 ईयर्स करना है, फर्नीचर को आपने 10 ईयर्स करना है। ये डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द एसेट्स। फर्नीचर कई जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कहीं में कम हो रहा है, तो हम एस्टीमेट्स लगाते हैं, हम जजमेंट करते हैं एस्टीमेट्स। जहाँ पे एस्टीमेट ज़्यादा है वहाँ पे सब्जेक्टिविटी रहती है, वहाँ पे आप देखें, मैं एक कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर हूँ, ठीक है, आप भी एक कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर हैं,
मैं फर्नीचर की लाइफ एस्टिमेट करता हूँ अपने ऑफिस में 5 ईयर्स, लेकिन आप करते हैं 3 ईयर्स. आप कहते हैं नहीं, हमारा फर्नीचर बहुत समय यूज होता है, 3 ईयर्स में के बाद इसकी वैल्यू नहीं है. तो हम एस्टिमेट्स कर रहे हैं द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स. ये आपने एग्जाम्पल दी, गुड. इसका क्या मतलब है कि जब इन एसेट्स की, किन एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स की लाइफ खत्म हो जाए, उसके बाद उसकी बकिया वैल्यू, बकिया कीमत, वो रेजिडुअल वैल्यू, के लेट्स सी हमारे फर्नीचर, हमने फर्नीचर लिया ऑफिस का, इसकी हमने यूजफुल लाइफ जो रखी है 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स के बाद इस फर्नीचर की क्या वैल्यू रह जाएगी. अब ये एस्टिमेट है, हम अंदाजे से कहते हैं ठीक है भी, आज हमने फर्नीचर लिया 1 लाख का, 3 ईयर्स यूज करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू 20,000 है. लेकिन एस्टिमेट्स है, कोई पता नहीं 20,000 या 2,000 है या 50,000 है. दिस इज ऑल एस्टिमेट्स. द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट्स. आप डेप्रिसिएशन करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं फाइनेंस डायरेक्टर हूँ एक कंपनी का, एक आप फाइनेंस डायरेक्टर हैं. हम डेप्रिसिएशन करते हैं फर्नीचर पे, हम ले रहे हैं 5%, आप ले रहे हैं 10%. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे इतनी क्लियर गाइडलाइंस, इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा कि आप फर्नीचर को 5% ही पे करें या 10 पे करें. तो यहाँ पे हम एस्टिमेट्स करते हैं कि हाँ 10% लेना चाहिए, 5 लेना चाहिए, 8 लेना चाहिए. सिमिलरली लॉस वारंटी प्रीमियम्स. वारंटी क्या होती है? आपने कोई एसेट लिया, लेट्स सी आप जाते हैं, आप फ्रिज बाय करते हैं, फ्रिज वाले कहते हैं ये न्यू फ्रिज है, डॉलेंस का फ्रिज है, ठीक है, आप बाय कर रहे हैं, 1 ईयर वारंटी है. 1 ईयर वारंटी का क्या मतलब है कि 1 ईयर के अंदर इसका कोई कंप्रेसर या कोई चीज खराब हो जाए, हम आपको रिप्लेस कर देंगे, 1 ईयर वारंटी. अब जो डॉलेंस है वो इसकी प्रोविजन किस तरह रखे, डेफिनेटली वो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि लास्ट ईयर कितनी वारंटी यूज की गई है, कितनी कस्टमर ने वारंटी को क्लेम किया है. लेकिन स्टिल दिस इज एस्टिमेट. सो गुड, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये चीजें. प्रायर पीरियड, जी प्रायर पीरियड के बारे में कोई बताया आज. प्रायर पीरियड ये जो मेरे राइट पे थर्ड नंबर जो बैठे हैं, जी आप बताएं, आप कुछ छुपने की कोशिश कर रहे हैं आज हैं? जब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन तो स्टूडेंट मोस्टली हेड नीचे कर लेते हैं. टीचर कहते हैं ना मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, तो वो प्रीटेंड करते हैं कि हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखने लगे हैं. तो प्रीटेंड ना करें, बिल्कुल बोर्ड लोग सामने आप ब्रेव बने, और जितना आपको आता है, आपने डेफिनेटली लेक्चर सुने हैं, देखे हैं, और उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करते हैं. ये टाइम होता है, दिस इज द राइट टाइम फॉर ग्रूमिंग, फॉर योर ग्रूमिंग. आप पार्टिसिपेट किया करें, जितना भी आता है पार्टिसिपेट करें, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम आप और तैयार होकर आएंगे. यहाँ पार्टिसिपेट अगर क्लास में नहीं करेंगे तो बिलीव मी आप प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल नहीं कर सकेंगे. ये जो यूनिवर्सिटी में टाइम आप गुजार रहे हैं, ये भी जो आप लर्न कर रहे हैं, ये आप इंडस्ट्री में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग चीजें बन रही हैं, ये आपका वो टाइम गुजारा है. इसमें कुछ आप पेन लेंगे, कुछ टाइम लगाएंगे, तो इसका रिटर्न आप आगे देखेंगे, राइट. तो आपके जब कुलीग आंसर कर रहे हैं उनको सुने. हर बंदा दूसरे से सीख रहा होता है लाइफ में, हर चीज सीखने वाली होती है. तो आप जी आप जो मैंने आपको कहा थर्ड पे, जी ये बात आपके लिए नहीं थी, पूरी क्लास के लिए थी. आप आंसर करें प्रायर पीरियड क्या चीज है. प्रायर पीरियड एरर्स, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर. हाँ गुड, वेरी गुड. तो आपको आता था तो आप इतने क्यों प्रिटेंड कर रहे थे कि मुझे लगा कुछ आप छुपने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं था. गुड, तो आपको आता भाई. प्रायर पीरियड एरर्स आर ओमिशंस एंड मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वन और मोर प्रायर पीरियड अराइजिंग फ्रॉम फेलियर टू यूज इन्फॉर्मेशन दैट वॉज अवेलेबल व्हेन द एफएस फॉर दोज पीरियड्स वर ऑथराइज्ड फॉर इशू एंड कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन प्रिपेयरिंग दोज एफएस. देखें प्रायर पीरियड एरर्स जो हैं, चाहे वो फर्स्ट थिंग आप जहन में जरूरी रखें, जब भी एरर्स का पता चला, एरर का कौन सी, प्रायर पीरियड. प्रायर पीरियड का मतलब है पिछले साल,
और या उससे पिछले साल की एरर्स सामने आई हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन किसी भी वे से. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ये देखती है या ऑडिटर्स ये देखते हैं, फाइंड आउट दिस इज मटेरियल एरर और इमटेरियल. वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स मटेरियल और इमटेरियल, ये आप सबको क्लियर है. अगर एरर इमटेरियल है, इमटेरियल इन सेंस कि जिसका अफेक्ट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट. मैं आपको क्विकली एग्जांपल दे दूं, लाइक फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है एंग्रो. मैं आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ एंग्रो. एंग्रो ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है और वहां पे एक मटेरियल लेवल मटेरियलिटी का लेवल जो होता है वो ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट बैठ के डिस्कस करते हैं कि लेट्स सी. उन्होंने कहा, आपस में डिसीजन ले लिया कि अगर कोई एरर, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, मिलियंस और बिलियंस का बिजनेस है, अगर कोई एरर 10 लाख रुपीज से ऊपर होती है वो मटेरियल होगी, 10 लाख से नीचे होगी वो इमटेरियल होगी. लाइक 1 मिलियन से अबव जो एरर है उसको हम मटेरियल कंसीडर करेंगे, 1 मिलियन से नीचे की एरर को इमटेरियल कंसीडर करेंगे. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है जो एरर इमटेरियल उसको हम करेक्ट नहीं करेंगे. करेक्ट करेंगे. प्रायर पीरियड एरर, अगर हमें प्रायर पीरियड एरर कोई नजर आई है, अगर वो मटेरियल है, मटेरियल का मतलब 1 मिलियन से ऊपर है, फिर हम उसको प्रायर पीरियड के अकाउंट्स ओपन करके ओपनिंग बैलेंस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया उसको एडजस्ट करेंगे. लेकिन अगर वो इमटेरियल है, 1 मिलियन से नीचे है, कोई छोटी मिस्टेक नजर आपने कैच की है, 2 लेकी 3 लेकी 5 लेकी जो उससे नीचे, उसको भी आप करेक्ट करेंगे, लेकिन वो करंट पीरियड में करेक्ट कर दें, उसकी एडजस्टमेंट करंट पीरियड में कर दें. ये क्लियर है. सो प्रायर पीरियड एरर्स होती क्या है, कोई ओमिशन हो जाती है या कोई मिस स्टेटमेंट होती है, कोई जानबूझ के की है, ये चीज जब सामने आती है तो फर्स्ट क्या डिसाइड करते हैं, मटेरियल इमटेरियल. अगर मटेरियल है करेक्ट करें, ओपनिंग बैलेंसेस ठीक करें, फिर आगे चीजें ठीक हुई. अगर इमटेरियल है तो करंट पीरियड में इसके एडजस्टमेंट कर दें. क्लियर, गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, IS-8 की जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये इंपॉर्टेंट है. ये 4 थिंग्स थी, आप जरूर अब इसको देख लें, साथ साथ देखेंगे अच्छा है, क्योंकि जो जो हम आगे जाएंगे ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सब चीजें यूज हो रही हैं. ओके, जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है उसको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट कर किसको करते हैं, यूजर्स को करते हैं. लेकिन जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जो फाइनल टच दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, चार्टर अकाउंटेंट्स या मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट, फाइनेंस डायरेक्टर्स, MD ओ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो मेक श्योर करते हैं जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू क्या हो, गुड, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन. कौन से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी लॉज, SCCP के लॉज, हर चीज को फॉलो कर रहे होते हैं. तो रिपोर्टिंग ये होती है और रिपोर्टिंग के लिए नॉलेज मस्ट है. सो आपने IS-8 को देख लिया, अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिलेक्शन, चेंजेस, एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, प्रायर पीरियड. तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप इसको, अब आपको ये चीज कभी नहीं भूलेगी और आप बड़े तरीके से करेंगे. थोड़ा सा मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करें, रिसर्च करें और कुछ एड ऑन करें. जब आप सेल्फ स्टडी और रिसर्च करके कुछ एड ऑन करेंगे, आपको थोड़ा पेन लेंगे, कुछ काम करेंगे, वो चीज़ नहीं भूलेगी, राइट. तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको IS-8 अब इंशाल्लाह रिपोर्टिंग में कहीं हम जब डिस्कस करेंगे आप कहेंगे यस आई नो कि IS-8 गाइडलाइंस क्या दे रहा है, पॉलिसीज के बारे में, चेंज इन सिलेक्शन में, एस्टिमेट्स में, प्रायर पीरियड्स में किस तरह डील करते हैं. ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, यू मस्ट हर्ड दिस वर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग. अकाउंटिंग सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है. हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग ये है कि जिस कॉस्ट पे आपने, फॉर एग्जांपल जिस कॉस्ट पे आपने एसेट्स लिए हैं या जिस कॉस्ट पे आपकी लाइबिलिटीज आई हैं, वही आपकी आगे चल रही हैं, FS में वही आ रही हैं. हिस्टोरिकल कॉस्ट, आपने बिल्डिंग ली है 5 ईयर्स पहले, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, बिल्डिंग को आपने उसकी वैल्यू अपने बैलेंस शीट पे SFP पे डाली है और टुडे आप अपनी बैलेंस शीट देखते हैं तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आ रही है, ऐसे ही है ना.
अकाउंटिंग में आपने 5 ईयर्स पहले लोन लिया है, जो लोन लिया जो उसी वो आपके बुक्स पे आया, वही कैरी ऑन हो रहा है, जितना आप रिपे कर रहे हैं रेस्ट अमाउंट आ रही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, राइट। आप सेल्स करते हैं, कैश सेल भी करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं, आपने क्रेडिट सेल किया है, आपके डेटर्स आ गए हैं 3 मंथ्स पहले, आज जो मर्जी पोजीशन है मार्केट में, करंट वैल्यू जो मर्जी है, लेकिन आपके डेटर्स सीजन चल रहे हैं, ऐसी है ना। आप डेटर्स को ये तो नहीं कहते कि आपने 3 मंथ्स पहले चीज़ें ली थी, बहुत महंगाई हो गई है तो आपने पैसे इतने वापस करने थे, आप इतने करें क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, नहीं, इसी तरह चल रही चीज़ें। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग का कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग के क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और ऑल्टरनेटिव ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग क्या है। तो थोड़ी इन चीज़ों को हम फोकस करेंगे और आप देखेंगे कि ये कंसेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और आई एम वेरी मच श्योर जो स्टूडेंट्स फाइनेंस बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने ये हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग कहीं ना कहीं डिस्कस की है। थियोरेटिकली कंसेप्ट आपको ज़रूर इसका थोड़ा बहुत होगा, और जिन्होंने कभी लाइफ में पढ़ी नहीं है, नो वरीज, वी विल डिस्कस एवरीथिंग टुडे। अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन गिवन फॉर देम। लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीविंग इन एक्सचेंज फॉर द ऑब्लिगेशन। सेम थिंग आई एक्सप्लेन यू मिनट अगो, कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, जब एसेट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं उसी पे जिस पे आपने पे किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग आपने 5 ईयर्स पहले 1 मिलियन की ली थी, उसी पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ। सो एसेट्स जिस पे आपने बाय किए हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स पहले आपने बिल्डिंग 1 मिलियन पे बाय की है, 1 मिलियन पे आपने उसको लिखा। सिमिलरली लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर द ऑब्लिगेशन। आपने लोन लिया फॉर एग्जाम्पल बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी जो लोन की अमाउंट है वो उसी जिस दिन लिया उसकी अमाउंट, उसकी वैल्यू लिखी है, और वो आज 5 ईयर्स पहले लिया था, वही अमाउंट अगर आपने पे किया है रेस्ट कैरी किया। सो हिस्टोरिकल जिस अमाउंट पे चीजें एसेट बाय की है, जिस वैल्यू पे लाइबिलिटीज ली हैं, उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। The objective of financial statement is to provide information about the reporting entity's financial performance and position that is useful to a wide range of users for assessing the performance of management and for making economic decisions. Jo main objective of financial statements ka, jo financial reporting ka main objective hai, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है वाइड रेंज ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरी यूजफुल और अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि उन्होंने अपना इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करनी है। तो अगर आपको अप टू डेट रेलिवेंट reliable information नहीं होगी, so you won't be able to make a good decision. Therefore, financial reporting is very, very vital for the users of the financial statements. Being both easy to ascertain an objective, the historical cost basis of measurement fails to relate directly to any of three decisions that might reasonably be made about an assets. अब हम देखते हैं three decisions, for example management लेती है, कौन से decisions हैं, we are going to discuss. Historical cost counting उस जगह पे fail हो जाती है, जहां पे ये three decisions लेने पड़ते हैं, कौन से, let's see. Number one, another similar assets might be purchased. अब देखें एक एसेट हमने बाय किया 3 ईयर्स पहले, हमारी बुक्स पे उसकी वैल्यू है,
है ना बुक वैल्यू, हम डेप्रिसिएट भी कर रहे हैं और देखते जा रहे हैं। लेकिन अगर हमसे ये कोई पूछे कि हम सिमिलर एसेट हम बाय करना चाह रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है आज? हमें जो हमने एसेट अपना बाय किया हुआ 3 ईयर्स पहले, उसकी वैल्यू जो हम देख रहे हैं वो भी बुक वैल्यू बता रहे हैं। मैनेजमेंट नीड टू नो द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइट हैव चेंज सब्सटेंशियली सिंस द प्रेजेंट एसेट वॉज परचेज एज इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। आप चीज को समझ रहे हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है आपने एसेट बाय किया और लिखा नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू जो बुक वैल्यू हम कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आज वो एसेट कितने का हम बाय करें बुक से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अनदर सिमिलर एसेट माइट बी परचेज, अगर आपकी चीजें हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर है, करंट कॉस्ट के ऊपर नहीं, करंट वैल्यू के ऊपर नहीं, हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर आ रही है, तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन देंगे? यू कैन नॉट गिव। क्यों? आपके एसेट जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में है। आपने बिल्डिंग बाय की है, बिल्डिंग आपने 5 ईयर्स पहले लिखी हुई है और उसी उसकी वैल्यू इसी तरह आगे ला रहे हैं, आपको क्या पता करंट वैल्यू क्या है बिल्डिंग की? आप इसी तरह एक और बिल्डिंग बाय करना चाह रहे हैं कंपनी के लिए, यू डोंट नो, बिकॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट दे रही है। तो फर्क हो गया ना। लेट्स सी, आप एक एंग्रो की बैलेंस शीट देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। एंग्रो के फिक्स एसेट्स में आप मशीनरीज की वैल्यू देखते हैं 20 मिलियन, एंड यू वांट टू बाय सेम मशीनरी। एंग्रो डिसीजन लेती है हम सेम मशीनरी लें, क्या वो आज वो मशीनरी बाय की है 5 ईयर्स पहले और उसकी वैल्यू 20 मिलियन, आज एंग्रो बाय करेगी 20 मिलियन की बाय कर सकती है वही मशीनरी? द आंसर इज नो। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको फेयर वैल्यू नहीं बता रही, आपको ट्रू पिक्चर नहीं बता रही एसेट्स की, नहीं बता रही ना, क्योंकि हिस्टोरिकल है, रेलिवेंट और रिलायबल नहीं है, रेलिवेंट हिसाब से नहीं है। आज हम एसेट बाय करने जा रहे हैं, मशीनरी बाय करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट पे लिखा 20 मिलियन, वो रिलायबल भी नहीं है क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है। द एसेट माइट बी सोल्ड, सेकेंड पॉइंट इज द एसेट माइट बी सोल्ड, मैनेजमेंट नीड टू नो द अमाउंट विच वुड बी रियलाइज फ्रॉम द सेल लेस एनी कॉस्ट इन्वॉल्व इन डिस्पोजल आई द एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगेन दिस मे बेयर नो रिलेशन टू हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक और इश्यू है, आपके कुछ एसेट्स हैं, आपकी एक प्लॉट पड़ा है, कंपनी का एसेट है, कंपनी ने लैंड ली हुई है, वो लैंड प्लॉट पड़ा हुआ है और लैंड ली थी 10 ईयर्स पहले 1 मिलियन की, आज कंपनी उसको सेल करना चाह रही है, बुक में उसकी वैल्यू 1 मिलियन है, क्या 1 मिलियन की सेल करेगी? द एसेट माइट बी सोल्ड, कंपनी को पता ही नहीं कितने की सेल करेंगे, वो मार्केट में जाकर सर्वे कराएंगे, हाँ जी क्या वैल्यू चल रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। आप अपने कोई मशीनरी सेल करना चाह रहे हैं, मशीनरी की वैल्यू बुक में लिखी हुई है 5 लाख रुपीज, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं पता चलता नहीं 5 की नहीं तो 7 की है, या 5 की नहीं है तो 3 की है, क्यों? वो हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग थी। द एसेट माइट बी सोल्ड, मैनेजमेंट नीड टू नो द अमाउंट विच वुड बी रियलाइज फ्रॉम सेल। अब मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा? वो तो फिर सर्वे करवाएंगे, जाके मार्केट चेक करेंगे, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पर है, अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पर है। हाँ बीच में कंपनीज रीवैल्यूएशन करती हैं, ऐसा नहीं आपने कंपनी के एसेट 1980 में बाई किए हैं और आज तक एसेट उसने रीवैल्यूएशन होती है बीच में आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर फ्यू ईयर्स, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग, अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग है और वो उसके ये डिसएडवांटेज है। यहाँ पे जो थ्री एरिया से जहाँ मैनेजमेंट फेल हो जाती है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, उनको फिर और इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। फर्स्ट वॉज अनदर सिमिलर एसेट्स मस्ट बी परचेज, द एसेट माइट बी सोल्ड। थर्ड इज द एसेट माइट बी यूज इन बिजनेस, आप ये भी जानना चाहते हैं जो एसेट यूज हो रहा है बिजनेस में इसकी कितनी वैल्यू है, रियल वर्थ क्या इसकी। मैनेजमेंट नीड टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो arising from the assets and discount these to their present value, i.e. their economic value.
کلیئرلی دیر از نو ڈائریکٹ لنک ود ہسٹوریکل کاز ان دس کیس. آپ کا ایسٹ یوز ہو رہا ہے, بلڈنگ یوز ہو رہی ہے, آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج اس کی ویلیو کتنی ہے, آپ کو نہیں پتا کیونکہ ہسٹوریکل کاسٹ میں. آپ کی مشینری یوز ہو رہی ہے, لیٹس سی آپ مشینری لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایوری ڈے پرائسز اوپر جا رہی ہے. آج آپ نے مشینری لی ہے 100 روپیز کی, فار ایگزامپل 2 ایئرس کے بعد آپ جانا چاہ رہے ہیں میری مشین کی کتنی ویلیو ہے. ضروری نہیں آپ کی مشین کی ویلیو 100 سے 70 ہو جائے. کیوں؟ مارکیٹ میں انفلیشن کی وجہ سے اس مشین کی قیمت اب مارکیٹ میں 150 ہے نیو مشین کی, لیکن آپ کی 2 ایئرز اولڈ مشین ہے, 2 ایئرز اولڈ مشین ہے. اگر نیو مشین 150 کی ہے تو 2 ایئرز اولڈ کتنے کی ہوگی؟ لیٹس سی اگر اچھی کنڈیشن میں 130 کی ہوگی, 120 کی ہو جائے گی. لیکن بک میں آپ کی مشین کی ویلیو کتنی ہے؟ آپ نے 100 کی ہوئی ہے, ڈیپریشیٹ کر کے اس کو 80 کیا ہوا ہے, تو بک میں 80 ہے, مارکیٹ میں 120 ہے. ایسٹ مائٹ بی یوز ان دا بزنس, آپ کو پتہ ہی نہیں جو ایسٹ یوز ہو رہا ہے بزنس میں اس کی مارکیٹ, اس کی ویلیو کتنی ہے, رائٹ. تو آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ ایگزامپلس بھی سمجھ آ رہی ہیں اور یہ ہسٹوریکل کاسٹ کاؤنٹنگ کی چیزیں بھی ہیں. ناؤ وی گو آن ایڈوانٹیجز آف ہسٹوریکل کاسٹ کاؤنٹنگ. کیا فائدے ہیں ہسٹوریکل کاسٹ کاؤنٹنگ؟ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, اسٹریٹ فارورڈ ٹو پروڈیوس. ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹس آر آبجیکٹیو اینڈ فری فرام بائس, یہ امپورٹنٹ. ہسٹوریکل کاسٹ ویلیوز آر ریلائبل اینڈ اوریجنل ویلیوز کین بی کنفرم بیسڈ آن اوریجنل انوائسز اکوپائنگ ڈاکومینٹس. ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹس ڈو ناٹ ریکارڈ گین انٹل دے آر ریئلائزڈ. ہماری اکاؤنٹنگ ہے یہ ہسٹوریکل کاسٹ پہ. آپ دیکھیں جو ہسٹوریکل کاسٹ ہے وہ اس لیے ریلائبل ہے کہ جو جس پرائس پہ آپ نے چیزیں لی ہوئی ہیں اسی پہ آپ نے بکس میں لائی ہیں, اکاؤنٹنگ ریکارڈ اسی پہ ہے. ہم بات ضرور یہ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ ہے, مارکیٹ میں اس طرح, مارکیٹ کرنٹ ویلیو اور بک ویلیو میں ڈفرینس ہے, آبویسلی ہوتا ہے, لیکن ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے جب تک ایک اوریجنل چیز ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. تو ہسٹوریکل کاسٹ ویلیوز آر ریلائبل اینڈ اوریجنل ویلیوز کین بی کنفرم بیسڈ آن اوریجنل انوائسز. اسی طرح ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس وقت تک گین کو اکاؤنٹ فور نہیں کرتے جب تک ریئلائز نہ ہوں. ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹس ڈو ناٹ ریکارڈ گین انٹل دے آر ریئلائزڈ, انٹل دے آر ریئلائزڈ. سو بیسیکلی از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, کسی کو سمجھانے کے لیے کرنے کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کے. سو ویل سی ناؤ واٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز. ان پیریڈ ان وچ پرائسز چینجز سگنیفیکینٹلی ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہیو گریو ڈیفیشنسیز. جہاں پہ اسٹیبل اکانمی نہیں ہے, جن کنٹریز میں, جن ریجنز میں انفلیشن ہے, بہت زیادہ انفلیشن ہے, اور اکنامک انوائرمنٹ اتنی فاسٹ نہیں ہے, وہاں پہ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے اس بالکل بہت ڈیفیشنسی نظر آتی ہیں اس میں. دیکھیں آپ جن کنٹری میں بہت زیادہ انفلیشن ہے, آج آپ نے کوئی چیز لی ہے اور بکس میں انٹر کر دیا, تھوڑے سے آپ کہتے ہیں بھائی یہ چیز تو اس کی پرائس 20% اپ ہو گئی ہے, 3 ایئرس کے بعد کہتے ہیں 100% اپ ہو گئی ہے, تو وہاں پہ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کیا کرے گا؟ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کیا آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ایکسپینسز جو ہے 2 ایئرس پہلے آپ کے ایکسپینسز اتنے تھے, اب آپ کے ایکسپینسز 80% بڑھ گئے, 2 ایئرس پہلے آپ کے ایسٹ کی ویلیو یہ تھی, آج ویلیو یہ ہو گئی ہے. سو وے پرائسز چینج سگنیفیکینٹلی انفلیشن کی, انفلیشن وہاں پہ ہسٹوریکل کاسٹ اکاؤنٹنگ کچھ بھی نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل نمبر 1, کیرنگ ویلیو آف فکس ایسٹس, نان کرنٹ ایسٹس. کیرنگ ویلیو آف فکس ایسٹس از آفٹن سبسٹانشلی بلو کرنٹ ویلیو. اب جہاں پہ آپ کی ویئر یور پرائسز چینج سگنیفیکینٹلی, آپ نے فکس ایسٹ آج بائی کیا ہے, مشینری بائی کی ہے, فرنیچر بائی کیا ہے, بلڈنگ بائی کی ہے, ویکلز بائی کیے ہیں, آپ اس کو لکھ رہے ہیں, جہاں پرائسز ایک دم اوپر جا رہی ہیں اس طرح, وہاں پہ کیرنگ ویلیو جو ہے, جو بک ویلیو اور کیرنگ ویلیو میں بہت زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے.
बुक वैल्यू कौन सी है, जो आपके अकाउंट्स की वैल्यू है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसेट्स की वैल्यू है, और जिसको हम कैरिंग वैल्यू कहते हैं, ठीक है, उसमें और करंट वैल्यू में जो आपकी मार्केट वैल्यू है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। जब ये डिफरेंस आ जाए तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है अब वो मीनिंगलेस हो जाती है। आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको बहुत अप टू डेट रहना पड़ता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, स्टॉक इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस रिफ्लेक्ट प्राइसेस एट द डेट ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चर रादर देन दोज करंट एट द ईयर एंड। अब आपने स्टॉक बाय किया है, राइट, स्टॉक की फिगर है 1 मिलियन, 1 मिलियन, या आपने स्टॉक रॉ मटेरियल लेके स्टॉक मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, तो स्टॉक बन गया वो, तो स्टॉक की फिगर वैल्यू आपने लिखी 1 मिलियन। लेकिन जहां प्राइसेस इतनी चेंज हो रही हैं, तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके करंट एसेट लो शो हो रहे हैं। क्यों? स्टॉक आपने 1 मिलियन का लिखा है, स्टॉक 1 मिलियन का नहीं है, आपने उस प्राइस पे लिखा जिस पे आपने बाय किया, मैन्युफैक्चर किया और बुक्स पे लेके आए। आज यही स्टॉक आपका 1.5 मिलियन का है। स्टॉक इन एसएपी रिफ्लेक्ट प्राइसेस एट द डेट ऑफ परचेज, जिस डेट पे आपने स्टॉक परचेज किया है आपने बैलेंस शीट पे लिखा है, या जिस डेट पे स्टॉक बनाया वो बैलेंस शीट पे लिखा है। यही बात है, मैन्युफैक्चर किया है या कुछ चीज होती है मैन्युफैक्चर करके आप स्टॉक बनाते हैं, कुछ डायरेक्ट आता है आपने उसको चेंजेस नहीं करनी, वो स्टॉक है। जिस डेट पे आपने बाय किया वो लिखा है एट द डेट ऑफ परचेज रादर देन दोज करंट एट द ईयर एंड। अब ईयर एंड आया है, आप स्टॉक की वैल्यू वही लिखेंगे ना जो आपने बनाया है, तो लेकिन मार्केट वैल्यू इसकी डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में चीज कैसे किस हद तक ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है। आप वैसे किसी की कंपनी की बुक्स देख रहे हैं, कह रहे हैं भाई स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 2 मिलियन, आपको इधर में आता है स्टॉक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही होगा, लेकिन एक्चुअल मार्केट वैल्यू ज्यादा है, कम भी हो सकती है इधर बोथ साइड्स, लेकिन वो रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स कंज्यूम टू प्रॉफिट इन रियल टर्म्स इन इज एग्जिजेटेड। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस कौन से हैं? फॉर एग्जांपल आप डेप्रिसिएशन ले रहे हैं मशीनरी की, आपने मशीनरी की वैल्यू का नहीं सही तरह पता, क्योंकि करंट वैल्यू उसकी अप हो गई है, डाउन हो गई है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप जा रहे हैं, तो आप जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो आपके प्रॉफिट पे तो इफेक्ट करती है, प्रॉफिट ऊपर भी एग्जिजेट करके बता सकती है। तो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसिस डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स, नहीं बताते ना इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसिस, करंट वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होते हैं। नो अकाउंट इज टेकन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑन मॉनेटरी टर्म्स, द ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड द अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स प्रिवेंट अ मीनिंगफुल कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर एनालिसिस। अब वहां पे अगर आपका ओवर स्टेट प्रॉफिट आया हुआ है और अंडर स्टेट एसेट्स आए हुए हैं, एसेट अंडर स्टेट है ना, अभी मैंने आपको स्टॉक की एग्जाम्पल दी है कि आप स्टॉक लिखते हैं 1 मिलियन जिस डेट पे आपने परचेज किया हुआ है एट द ईयर एंड बैलेंस शीट में, लेकिन 1 मिलियन नहीं है, उसकी वैल्यू माइंड भी 2 मिलियन है, 1.5 मिलियन है, आपने एसेट अंडर स्टेट किए हुए हैं। आपके जो फिक्स एसेट है लाइक बिल्डिंग लैंड मशीनरी, वो आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पर डाले हुए हैं, वो अंडर स्टेट है। जहां एसेट अंडर स्टेट हो और प्रॉफिट अगर ओवर स्टेट हो, इस तरह की चीज हो, तो आर ओ सी की कैलकुलेशन इस पे, तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही गलत है, वो फेयर रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग। तो आई होप आप चीजें समझें जिसके डिसएडवांटेजेस थे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन एग्जांपल वी डू, एग्जांपल देखें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग की। कंपनी ए एक्वायर अ न्यू मशीन इन 2004, द मशीन कॉस्ट रुपीज 50,000 and has an estimated useful life of 10 years. Company B acquires an identical 1-year-old machine in 2005. The cost of the machine is rupees 48,000 and it has an estimated useful life of 9 years. Very straightforward, very understandable example. Company A ने एक मशीन खरीदी है
2004 में रुपीज 50,000 की, और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। कंपनी बी किसी भी रीजन से 2004 में मशीन नहीं बाय कर सकी, लेकिन 2005 में आइडेंटिकल मशीन बाय करती है, आइडेंटिकल मशीन बाय करती है, और कितने की बाय करती है, 48,000 की, और उसकी यूजफुल लाइफ है 9 ईयर्स। डेप्रिसिएशन चार्जेस स्टैंडर्ड एंड बेसिस पे ले रहे हैं, 2005 के एंड पे इनके डेप्रिसिएशन चार्जेस क्या होंगे, लेट्स सी। आप क्वेश्चन दोबारा देख लें। कंपनी ए एक्वायर अ न्यू मशीन 2004 रुपीज 50,000, 10 ईयर्स उसकी लाइफ है। कंपनी बी ने सेम मशीन 2005 में बाई की रुपीज 48,000 की और 9 ईयर्स की लाइफ है। हम डेप्रिसिएशन चार्जेस देखते हैं 2005 पे क्या है, एट द एंड ऑफ 2005 डेप्रिसिएशन चार्जेस क्या है, लेट्स सी। कंपनी ए कितने की मशीन बाई की उसने, रुपीज कंपनी ए ने 50,000 रुपीज की, ऐसी है 50,000 की, और कितनी यूजफुल लाइफ उसकी थी, 10 ईयर्स। टेन ईयर्स इज इक्वल टू रुपीज 5,000 पर ईयर, ये बनता है ना, रुपीज 5,000 पर ईयर, पर ईयर। दिस इज कंपनी ए। नाउ कंपनी बी, कंपनी बी, कंपनी बी ने दे बॉट मशीन रुपीज 48,000 की मशीन बाय की, और यूजफुल लाइफ कितनी है, 9 ईयर्स, रुपीज 5,333 पर ईयर। ये डेप्रिसिएशन चार्ज है। अब हम देखते हैं करंट वैल्यू, करंट वैल्यूज एट द एंड ऑफ 2005 आर, करंट वैल्यू क्या है। कंपनी है करंट वैल्यू, अभी क्या है करंट वैल्यू, कितने की मशीन हमने बाय की थी, रुपीज 50,000 की, ऐसी है, और कब बाय की थी, 2004 में, ऐसी है ना, 2004 में हमने बाय की थी। 2004 की डेप्रिसिएशन, 1 ईयर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 5,000। ये 2004 की डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 2004 प्लस डेप्रिसिएशन 2005, कितनी डेप्रिसिएशन, 5,000। सो रुपीज 50,000 हमने बाय की, 2 ईयर्स डेप्रिसिएशन आप निकाल लें, 50,000 माइनस 10,000 उसकी करंट वैल्यू कितनी है, रुपीज 40,000 कैरिंग वैल्यू, सॉरी कैरिंग वैल्यू उसको हम कहते हैं, नॉट करंट वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, अभी अभी जो हम कैरी कर रहे हैं इसकी वैल्यू, ये आप देख लें, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, सी वी मीन कैरिंग वैल्यू, ओके। कंपनी बी
किस प्राइस पे हमने बाय किया था। ये क्लासिकल एग्जांपल है, आपको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का पता चलेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी क्या है। 48,000 की, 48,000 की हमने बाय की है, और कब बाय की है, 2005 में। ऐसे ही है माइनस डेप्रिसिएशन, ये 2005 भी हम कह रहे हैं, 2005 है ना सिर्फ हमारा ईयर, तो 2005 की डेप्रिसिएशन कितनी है इसकी, मेंशन है 5333। क्या वैल्यू होगी, रुपीज 42667 कैरिंग वैल्यू, राइट। अब आप देखें कि बोथ कंपनीज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मशीन है, कंपनी ए जो है आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल मशीन ने बाय की, आइडेंटिकल एक जैसी, आइडेंटिकल मशीन बाय की। एक कंपनी बता रही है उसकी वैल्यू 40,000 कैरिंग वैल्यू, एक बता रही है 42667। बोथ कंपनीज आर यूजिंग आइडेंटिकल मशीन ड्यूरिंग 2005, बट द इनकम स्टेटमेंट विल शो क्वाइट डिफरेंट प्रॉफिट फिगर्स बिकॉज ऑफ एडहेरेंस टू हिस्टोरिकल कॉस्ट। आईएएस में जो प्रॉफिट है वो डिफरेंट शो हो रहा है, ये आपके सामने है, कंपनी ए कंपनी बी, सॉरी दिस इज कंपनी ए कंपनी बी। अब आप देखें कि इसकी वैल्यू किस कम हुई है, 50,000 2005 में 5,000 चला गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू और कम, 40,000 पे वैल्यू आज चली गई 2 ईयर्स में, और इसकी वैल्यू 48 से 43 42। सो बोथ कंपनीज यूजिंग आइडेंटिकल मशीन बट आईएस विल शो क्वाइट डिफरेंट प्रॉफिट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो आई होप इस अच्छी एग्जाम्पल थी, आप इसको क्लियर कर गए होंगे। ओके सो स्टूडेंट्स, आज आपने हिस्टोरिकल कॉस्टिंग देखी है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इसमें अकाउंटिंग ही हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे, लेकिन जब हम रिपोर्टिंग करते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं और एनालिसिस करते हैं, उस टाइम हमारे जहन में होना चाहिए, हमारे माइंड में चीज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, आपको पता जिस फिगर्स पे आप बेस कर रहे हैं, जिस फिगर्स की बेस पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर है तो आप जो अपना एनालिसिस करके दे रहे हैं वो एनालिसिस इतने रिलायबल नहीं होंगे, इतने रिलायबल नहीं होंगे। क्यों, लेट्स सी, आपने एग्जाम्पल देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जहां पे एसेट्स जो है वो अंडरस्टेट हो, प्रॉफिट ओवरस्टेट हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में जो आप फिगर्स ले रहे हैं वो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर है, एसेट जो है अंडरस्टेट है और प्रॉफिट ओवरस्टेट होया हुआ है, तो आप एनालिसिस क्या देंगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कॉस्टिंग है ही कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे, लेकिन जब एनालिसिस कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो फिगर्स आ रही हैं इनको फेयर वैल्यू पे लाना या नहीं लाना जब आप एनालिसिस कर रहे हैं। इसीलिए जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जब अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं, आप सिंपल किसी कंपनी का डाटा ले लें, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लें और आप उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करें, आप अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करें, डिफरेंट किस्म के एनालिसिस करें, लेकिन समटाइम आप देखते हैं कि हमने ये एनालिसिस किया है, लेकिन जब एक्सपर्ट्स का एनालिसिस देखते हैं वो से थोड़ा वो क्वाइट डिफरेंट होता है। वो इसलिए उसकी एक रीज़न ये भी है, मैनी अदर फैक्टर्स में वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है,
उन्हें इस चीज़ का पता है कि ये कुछ फिगर्स हैं हिस्टोरिकल के ऊपर है, इसको अगर हम फेयर वैल्यू कंसीडर करें, फेयर वैल्यू पे लाएं, तो ये पिक्चर विल बी डिफरेंट। सो अगर फिगर्स हैं वो फेयर वैल्यू पे आए, मार्केट वैल्यू पे आए, तो एनालिसिस डिफरेंट हो जाता है। ऑब्वियसली आप देखें कि अगर फिक्स एसेट्स कंपनी के हैं, फिक्स एसेट कंपनी के जो है, आप उस फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं तो फिगर फिक्स एसेट की बैलेंस शीट से लेंगे ना, वो बैलेंस शीट जब फिगर ले रहे हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, अनलेस एंटल एसेट रीवैल्यूड ना हो। अगर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप ले रहे हैं तो आपके रेशियो डिफरेंट होगी। सो इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियसली ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई या गो थ्रू नहीं हुए, उन्हें हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट नहीं है, तो प्लीज़ आज मैं लेक्चर यहाँ से आगे नहीं दे गया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह विल डिस्कस अल्टरनेटिव ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग, के हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग का अल्टरनेटिव क्या है, क्या जो अल्टरनेटिव हैं वो फिजिबल हैं, प्रैक्टिकल हैं, कंपनीज यूज़ कर रही हैं, ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। दिस इज विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर क्लियर योर कॉन्सेप्ट, क्लियर योर थिंकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग। आपसे कभी कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग के बारे में पूछा जाए, गिव अस गिव देम एग्जाम्पल, वट आर द एडवांटेजेस, वट आर द डिसएडवांटेजेस, हाउ हिस्टोरिकल कॉस्ट काउंटिंग अफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, how this is an important question, you should be able to give straight away answers. So ye aapka homework bhi hai, aaj aapne zarur lecture ke baad kuch time dena hai aur ye is question ka answer find out karna hai, how historical cost accounting effect on financial reporting. The aur historical cost accounting ke jo advantages and disadvantages humne discuss kiye hain unko zara aap zarur definitely one by one thoda डिस्कस करें। और जिस तरह आप मैंने बताया, आप इनकम स्टेटमेंट देख लें, आप अपनी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन जो बैलेंस शीट को देख लें, आप खुद सोचें और डिस्कस करें इनमें कौन सी फिगर्स हैं जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, स्टॉक हिस्टोरिकल कॉस्ट है, रिसीवेबल डेटर्स आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हैं, एसेट्स आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हैं, इसी तरह ISP कौन सी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट आगे जाके कहाँ पर है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट आगे जाके कहाँ पर है, आगे मीन के रिपोर्टिंग में कैसे है, एनालिसिस में कैसे है। जब आप इस एंगल से देखेंगे, इस प्रोस्पेक्ट से चीज़ों को देखेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी डिफरेंटली, वेरी बेटरली। ओके, सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप इस लेवल आपका है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जरूरी चीज़ें डिस्कस करें, ये चीज़ें होती हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वैसे आप किसी जूनियर लेवल से पूछें वो कि हाँ बैलेंस शीट में ये कुछ है आई इसमें, लेकिन आपको पता कि आपने ये कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस पढ़ा हुआ है, जैसे IS-8 है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है, ये चीज़ें क्या है। ओके, और ये चीज़ें मैनेजमेंट के जो टॉप मैनेजमेंट है डिस्कशन में ये लाते हैं कि ये चीज़ें पढ़ी हैं या जो था हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम क्या एनालिसिस दें, हमारे एसेट अंडर स्टेटेड है, प्रॉफिट लग रहा है ओवर स्टेटेड है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, लेक्चर 8। इंशाल्लाह जैसे मैंने बताया कि हम लेक्चर 9 में विल डिस्कस द अल्टरनेटिव ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, अल्टरनेटिव क्या है इसके, ठीक है। बट अल्टरनेटिव डिस्कस करने से पहले आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन चीज़ें अच्छी तरह हो, तो होमवर्क मैंने आपको दे दिया, एक वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छी तरह डिस्कस करें आपस में। सेकेंडली थिंक अबाउट दिस, फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन हाउ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड स्टूडेंट्स टूडे, इंशाल्लाह विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास लेक्चर 9। डोंट फॉरगेट, प्लीज डोंट फॉरगेट सेल्फ स्टडी एट होम, and also group discussion is very very important, sharing knowledge is extremely important, without sharing knowledge you cannot enhance your knowledge, yeah, so pass on.
पास ऑन. दिस इज माई पर्सनल एडवाइस टू यू. जो कुछ आपको आता है दूसरों को बताएं, जो कुछ आता है दूसरों से शेयर करें. यू विल सी द डिफरेंस. मोबाइल भी फ्री हैं आजकल आपके पास, मिनट्स भी आपके पास होते हैं, टॉक टाइम भी हैं. ये चीज़ डिस्कस करें. इंटरनेट फैसिलिटी है, फेसबुक पे जाकर करें, लिंक करें ज़रूर. बाकी काम अपनी जगह चल रहे हैं. ये जो आपके पास डिफरेंट मीन्स हैं यूज़ करने के, इन अपनी स्टडी को भी उनमें इनकॉर्पोरेट कर दें, तो आप देखें चीज़ें डिफरेंट और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी आपके लिए. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. वी विल मीट अगेन इन लेक्चर 9. Thank you and Allah Hafiz.